आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को डक फार्मिंग यानी बतख पालन से रिलेटेड एक नया टेक्निक के बारे में दिखाने वाला हूँ। शायद ये आपने कहीं देखा ही ना हो और सुना भी ना हो, तो आइए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा ज़रूर देखें। साथ ही मैं आप सभी से और एक गुजारिश करता हूँ कि जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। थैंक यू। तो प्यारे दोस्तों, ज़रा गौर से देखिए, घर में ही पड़ा हुआ फटा हुआ एक मच्छरदानी के अंदर कितने चारे जो हैं बतख के चूजे का पालन किए जा रहे हैं। ज़रा गौर से देखिए कि इस मच्छरदानी के अंदर बहुत सारे बतख के चूजे हैं और उन चूजों को पानी में तैरने के लिए वो मच्छरदानी के बीचों बीच एक छोटा सा स्विमिंग पूल यानी एक गड्ढा भी खोद दिया गया कि चूजे का जब मन चाहे तो पानी में उतर जाए, खेले कूदे, जो करे चूजे का मर्जी। जब मैंने पहली बार इस टाइप का चूजों का पालन के बारे में देखा तो मैं देखते ही रह गया, क्योंकि ये बहुत ही कम खर्चा में बहुत ही फायदेमंद है। फायदेमंद कैसे कि ये दिन के लिए चूजे की ब्रूडिंग के टाइम पे दिन के लिए बेस्ट होता है। दोस्तों, मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइप का ब्रूडिंग सिर्फ दिन के लिए होता है, रात के लिए ये कभी भी फायदेमंद नहीं होगा। दिन के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि फिलहाल असम में 33-34 हॉट टेम्परेचर तक गर्मी हो रहा है, तो इन गर्मियों में अगर हम घर के भीतर चूजों को रखें तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये खुला में, बिल्कुल खुला में चारों तरफ हवा आने जाने का पूरा इंतज़ाम है और साथ में पानी में तैरने के लिए भी व्यवस्था की गई ताकि चूजे को जब भी गर्मी महसूस हो पानी में जा सके। तो इससे क्या होता है, इससे चूजे जो है संतुलित टेम्परेचर बना के रखेगा, यानी जब चूजे का मन करेगा ज़्यादा गर्मी महसूस करेगा तो वो मच्छरदानी के भीतर में जो स्विमिंग पूल है छोटा सा जो गड्ढा है ये देखिए, उसमें वो जाएगा, तैरेगा, खेलेगा, कूदेगा, जो भी हो वो इस तरह से अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेगा और जब भी उसको ठंड महसूस होगा तो चूजे जो है वो पानी के ऊपर चले जाएंगे। ऊपर में भी बहुत सारे जगह है, ये आप वीडियो में अच्छी तरह देख सकते हो। दोस्तों, इस मच्छरदानी में कितने चूजे को रखा गया ये मैंने गिनती भी नहीं की और जिसका है उनको पूछा भी नहीं, लेकिन मैं ये अंदाज़ा लगा लिया कि इसमें कम से कम 70-80 चूजे तक हम आराम से रह सकते हैं। तो इस तरह चूजे को रखने का और एक फ़ायदा है कि मैंने पहले मेरे चैनल के एक वीडियो में बताया था कि बतख के चूजे का दूसरा बड़ा दुश्मन होता है शिकारी परिंदा, जैसे बाज होते हैं, कौवे होते हैं। तो अगर हम मच्छरदानी के अंदर इस तरह से चूजे को रखें तो वहाँ तो शिकारी परिंदा पर भी नहीं मार सकता, मारेंगे भी कैसे। आप ज़रा देखिए, पूरा मच्छरदानी कवर किया हुआ है, वहाँ तो अब परिंदे तो दूर की बात है, एक छोटा सा चिड़िया भी अंदर नहीं जा सकता। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, 30 के ऊपर है, उन जगह पर चूजे को गर्मी से बचाने के लिए ये बेस्ट एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी है, यानी हम इन टेक्निक को निंजा टेक्निक भी कह सकते हैं। सच में दोस्तों, यकीन मने ये एक बहुत बड़ा खोज है, जिसने भी ये पहले किया है उन्हें मेरी तरफ से सलाम। दोस्तों, अगर हम बंद कमरे के अंदर ब्रूडिंग कर रहे हैं और चूजे को ठीक से खान पान दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि चूजे बहुत जल्द बहुत तेज़ी से बड़ा हो जाएंगे। चूजे बड़ा होने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उनमें से एक फैक्टर ये भी है कि चूजे को खेलना कूदने के भी माहौल देना पड़ेगा। तो दोस्तों, चूजे को प्राकृतिक माहौल में बड़ा करने के लिए एक मच्छरदानी के सहारे ये तो बेस्ट एंड बेस्ट टेक्निक है, यानी इसमें हम प्राकृतिक एनवायरनमेंट चूजे को दे सकते हैं सिर्फ एक मच्छरदानी के सहारे।
तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।